अगर आप आधार कार्ड का पीडीएफ नहीं खोल पा रहे हैं या अगर आप जानना चाहते हैं कि आधार कार्ड का पासवर्ड क्या होता है या आधार कार्ड का पासवर्ड कैसे निकालें तो ये वीडियो आपके लिए है। इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आधार कार्ड का पासवर्ड कैसे निकालते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए जिससे आप आधार कार्ड का पासवर्ड कैसे निकालते हैं उसका प्रोसेस ठीक से समझ सकें और आप आधार कार्ड का पीडीएफ को ओपन कर सकें डाउनलोड करने के बाद। तो जैसे एग्जांपल के लिए एक आधार कार्ड है तो इसमें सिर्फ आपको दो चीज़ का ध्यान रखना होता है। जो देखिए फर्स्ट है नेम, देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है एमडी गैस। हिंदी वाले फ़ॉन्ट के आपको कोई ध्यान नहीं देना है, इस पर कोई काम नहीं है। इंग्लिश वाला फ़ॉन्ट को आपको ध्यान देना है, एमडी गैस लिखा हुआ है। और देखिए आपको डेट ऑफ बर्थ का ईयर, किस ईयर में आप पैदा हुए हैं, आपको इस पर ध्यान देना है। तो आपको सिर्फ दो चीज़ का ध्यान रखना है। तो हम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो देखिए आधार कार्ड का पासवर्ड जो होता है, वो 8 डिजिट का होता है, मतलब टोटल जो है उसके 8 डिजिट होते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो 8 डिजिट में क्या क्या आता है, तो स्टार्टिंग का जो 4 डिजिट होता है उसके अंदर आपका आपके नेम का अल्फ़ाबेट आता है, 4 अल्फ़ाबेट आपके नेम का आता है। तो जैसे इसके लिए इसमें देखते हैं कि MD ग्यास है, तो MD के बाद स्पेस है, तो आपको स्पेस को नहीं लेना है। MD का M और D और ग्यास का G और I, ये सिर्फ 4 अल्फ़ाबेट आएंगे ओनली, और ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट आपको कैपिटल में डालने हैं। जैसे कि इसका हम नाम दे देते हैं MD ग्यास, तो हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट में लिखेंगे MD और ग्यास का G और I, सिर्फ 4 लिखने हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे G और I, 4 ये हो गए। अब उसके बाद दूसरा 4 डिजिट जो होती है वो होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ का ईयर। तो सिंपल है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 06032001, तो इन दोनों से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ईयर डालना है। 2001 है आपको ओनली, यहाँ पर 2001 हो गया, 4 डिजिट प्लस 4 डिजिट 8 डिजिट हो गया। अब पासवर्ड क्या होता है, तो सिंपल है, अब जब पासवर्ड टाइप करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे MDGI, इसके बाद बिना स्पेस दिए, मतलब आपको किसी में स्पेस नहीं देना है। और दूसरी चीज़, सारे फ़ॉन्ट जो होंगे आपके वो सबके सब कैपिटल होंगे, कोई सा भी स्मॉल नहीं होगा। अगर आपके आधार कार्ड में स्मॉल है तो भी आपको यहाँ कैपिटल ही डालना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट का हो गया। देन ये आपका आधार कार्ड के PDF का पासवर्ड है, आप ये पासवर्ड डालेंगे आपका PDF ओपन हो जाएगा। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट का नाम ध्यान रखना है, जो आपका नाम का अल्फ़ाबेट है इस पर, और जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर है सिर्फ इस पर। MD गैस है तो MD, और उसके बाद स्पेस को नहीं लेना है, और GI, मतलब सिर्फ 4 अल्फ़ाबेट आपके होने चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं होंगे। और अगर यहाँ पे ये मान लेते हैं MOHD है, या मान लेते हैं राजू है, तो आपको RAJU डालना ओनली। और उसके बाद जो ईयर होता है, ईयर 2001 है किसी का, 1998 है, 1974 है, जो भी आपका ईयर है आपको वो डालना है, बस कुछ नहीं डालना, बस सिंपल ये डालना, और आपका ये पासवर्ड होता है। इस तरीके से आप आधार कार्ड का पासवर्ड निकाल सकते हैं और आप PDF को ओपन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको इंस्टाग्राम का ID भी शो हो रहा होगा, आप यहाँ पे मुझसे DM करके पूछ सकते हैं।